वेलकम बैक आप देख रहे हैं सियासत मना है हमारे साथ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस के हेड हैं के एस सी में मोस्ट uh, विलीफाइड हमारा प्राइवेट सेक्टर इदारा है, है पाकिस्तान का और साहब अगर इसी से फिर शुरू करें सर एक मैं पहले वो टी वी पर भी दिखाते हैं हम ये ये आप क्लिप देखिए ये साहब क्या कह रहे हैं वो आजकल एडवाइज आई हुई है जो ए सी वे सी के गर्मी के बहुत हो गई है तो गर्मी वगैरह के, के बोलिए ए सी की वगैरह जरूर से सख्त जरूरत है ना तो ए सी अभी कहाँ से लाया जो ए सी हो एंस हो गया भाई हो गया इन साहब का ख्याल था कि जो पेपको का बिजली बचाने वाला एड आता है उसका मतलब ये है कि आप इसी खरीदें और उसको फिर छब्बीस पे चलाएं तो ये साहब इसलिए परेशान थे इसलिए कि ये समझ रहे थे कि मैं कौन सा एसी सी लूँ फिर लूँ तो महंगा होता है तो वो एसी फिर छब्बीस पे कैसे चलाऊँ गर्मी बहुत है साहब ये डिसकनेक्ट है इस हद तक डिसकनेक्ट है आप लोग आप आई एम श्योर आप मार्केटिंग हेड हैं आप टी वीज़ आते हैं आप जब रोड पे आ जाते होंगे आपको एक इनसिक्योरिटी फ़ील होती होगी कि जी मैं अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतनी सारी इतनी बातें हैं तो पता नहीं लोग मुझे अगर पहचान जाएं तो क्या होगा और लोग जो हैं उनकी सेपरेट अंडरस्टैंडिंग्स हैं तो ये कैसे फिक्स करेंगे यार देखें ये शायद आपको सुन के हैरानी होगी कि हमने शायद के की हिस्ट्री में पहली मरतबा खुली कचहरी का एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे जिसमें सी ई समेत सीनियर मैनेजमेंट वो यूज़ टू गो टू प्लेस लाइक लांडी औरंगी लियारी नॉर्थ कराची यू you नो know, और वहाँ पे जाके टेंट लगा के हम बैठ जाते थे और वहाँ पे तीन चार सौ लोग आते थे और वो आके अपने मसले मसाइल ये वो सारे वो बयान करते थे कोशिश ये थी कि एक एक लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए ठीक है और ये बड़ी डिलिब्रेट एक, एक एफर्ट थी कि यार के ई सी ओवर द ईयर्स है एक फेसलेस कंपनी ठीक है ना हेट्रेड क्यों पैदा हुई है देखिए जब जब डिसकनेक्ट होता है जब आप लोगों से बात नहीं करेंगे तो वो वो ऑटोमेटिकली हेट्रेड क्रिएट होती है तो हमने डिलिबरेटली एक प्लान ये किया था कि लेट्स कनेक्ट विद पीपल ना दैट वाज द मेन थीम ऑफ आवर एंटायर प्रोग्राम तो ये जो हमने 18 टाउन्स में हमने ये सेशंस किए और वहाँ पर एट टाइम्स तो ये लगता था कि लो, लोगों को यकीन ही नहीं था कि यार ये के ए सी की सीनियर मैनेजमेंट आके यहाँ बैठ गई है हमारे साथ और हमारे बात सुन रहे हैं मसले सुन रहे हैं उनको हल कर रहे हैं ये ये एक हमने किया उसके बाद डिफरेंट जो फोरम्स हैं इंडस्ट्री के ट्रेड के उनके साथ हमारा मिलना जुलना सारा कुछ है लेकिन देखें जो डिसकनेक्ट या जो एक एक बदतमादी की जो फ़िज़ा दहाइयों पर मुहित है वो चंद एक माह में या एक दो साल में अगर आप कहें कि उस खलीज को हम पूरा कर सकते बुरी हो रही है वो मजीद बुरी हो रही है ये जो तो सियासतदानों को आपने अटका दिया है बीच में ये सियासी बॉडीज को आपने अटका दिया ये तो आपके बहुत ज्यादा बुरा हाल कर रहे हैं पहले के ए फेसलेस तो थी अब तो डिमनाइजड है अब वो अगर मुंह देखते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं अभी आपका आपको देख रहे हैं वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बहुत ही एक जाबिर आदमी होंगे और आप कुछ नहीं समझ रहे होंगे आप तो डिमेनाइज हैं सर ह्यूमनाइज होना फेसलेस न्यूट्रल है ना ह्यूमेइज फेसलेस डी आप तो खाई में फंसे हुए हैं नहीं देखें ह्यूमन फैक्टर की आपने बात की ना तो मैं मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगा कि ये ये सी बी ए के कॉन्टेक्स में जो बात चल रही है ना आजकल के जी वो ये कहा जा रहा है ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है और जो भी त, अपनी तकारीर में एक रेट्रिक उनकी है कि ये बड़े ये ये संग दिल किस्म के लोग हैं और पता नहीं क्या क्या वो तो मैं यहाँ कैमरे में कह भी नहीं सकता क्या कुछ कहा जा रहा है तो मकसद ये है कि ये जो प्रेजेंट मैन्यूमेंट जब आई थी दो हज़ार नौ में शुरू में तो उस वक्त ग्यारह साल पहले तक एक धीले का काम नहीं हुआ था वर्कर का वर्कर के वर्कर की बेनिफिट के लिए जब हम यहाँ पे आए तो हमने आके सबसे पहले ये सवाल किया कि यार ये 11 साल से ये वर्कर एक्सप्लॉयड हो रहा है ठीक है वी अनाउंस दैट वो जो चार्टर ऑफ डिमांड था सी के साथ हम बैठे और हमने 11 साल के बाद और इसलिए नहीं किया कि सी ने हमें कहा था हमने बिकॉज वी फेल कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू ये ये दुरुस्त फैसला है वो हमने किया ठीक है छः हज़ार लोगों की ज़िंदगी में एक मुसबत तब्दीली आई जिसमें हमने उनको रेगुलराइज़ भी किया उनकी जो हाउसिंग कॉलोनीज थी उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर किया उनके जो बच्चों की जो कह लें कि एजुकेशन और शादी और उसके लिए जो हमारा डिफरेंट एक प्रोग्राम था सोशल वेलफेयर का उसके ऊपर काम किया इवन जब ये लोगों को हमने निकाला है या रिट्रेंच किया है बावजूद इसके कि कानून इस चीज़ की इजाज़त दे रहा था कि हम बगैर कुछ दिए इनको निकाल सकते थे और हालात भी कंपनी के ऐसे थे बिकॉज कंपनी वॉज मेकिंग लॉसेस उसके बावजूद हमने कहा कि नहीं हमें इन लोगों को ऐसे ही सड़क पर नहीं डाल देना छः अरब रुपए का पैकेज हमने इनके लिए अनाउंस किया ठीक है जिसमें हमने बात की कि एवरेज पंद्रह लाख था मैक्सिमम फोटी सेवन मिनिमम सेवन तो ये तमाम फैक्टर जो हैं और अच्छा दूसरी चीज़ क्या है और हम ये इसलिए नहीं कर रहे कि हमें इन, ये वर्कर अच्छे नहीं लगते देखिए हमारा बिज़नेस मॉडल ऐसा है Which tells us कि यार हमें फोकस करना है अपनी कोर के ऊपर और कोर हमारा क्या है जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये हम एक स्पेस एक क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने लिए स्पेस क्रिएट हो हमारे पास टेक्निकल साइड पे लोगों की कमी है तो हम यही इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक्निकल साइड पे करें ताकि अपना जो कोर फंक्शन है उसमें एक्सेल करें और आप लोगों को अपनी, प, अपनी जो कंज्यूमर है बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें साहब मुरैल कैसा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में देखिये अगर कोई गरीबों में कंपनीज की बात करें आपकी कंपनी के अंदर जो लोअर लेवल मिडिल लेवल उनमें क्या है देखें मुराल का अगर कोई मैार है तो वो यह है कि तमाम तर थ्रेट्स और खतरात और और हमलों और तोड़ फोड़ के बावजूद अगर आज भी आपके घर की कंप्लेंट एक लाइन मैन जाके अटेंड कर रहा है तो आई थिंक वी शुड सल्यूट दैट वर्कर बिकॉज मैंने काम नहीं करता जाके वो वो हमारा वर्कर ही काम कर रहा है उनको मार भी पड़ती है उनको थ्रेट्स भी दी जाती हैं कराची में आज भी अलमदुल्ला प्रॉब्लम्स हैं इस बिकॉज के रोका जा रहा है लोगों को काम करने से उसके बावजूद हमारे जो वो फर्शनास लोग जिनको के दर्द है के के, के एसी सी का और के एसी सी के सार्फिन का वो आज भी काम कर रहे हैं तो मुरैल का जो सही मैार है वो आपको वहां से नजर आएगा लेकिन अगर एक शख्स है उसने ये तय कर लिया है कि जी मैंने तो आ, किसी सुर में मानी ही नहीं है आपकी बात तो फिर ऑब्वियसली उसको आप जो मर्ज़ी करते रहे उसने आपकी बात नहीं सुननी मुराल आप कहते हैं कि इसलिए हाई है इसलिए एविडेंसड है वो लोग काम कर रहे हैं आप फ्यूचर क्या है फ्यूचर के ए क्या समझती है सब कुछ ठीक हो जाए अगर तो किसी क्या करेगी कराची के लिए देखें हमारा विजन बड़ा क्लियर है विज़न ये है कि हमारा जो मकसद है या मकसद है हयात है इस कंपनी का वो ये है कि हमें अन इंटरप्टड पावर देनी है अपने तमाम सार्फिन को एट अ प्राइस विच इज़ अफोर्डेबल ठीक है एंड इन एनवायरमेंट विच इज़ सेफ़ सिक्योर एंड रिलायबल ना ये की वर्ड्स हैं हमारे आ, विजन स्टेटमेंट के, के आपके घर पर तीन चीज़ें हैं ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वन यू शुड गेट इलेक्ट्रिसिटी एज योर राइट एज यू सेट बिजली हब हाँ ठीक है ना हब हाँ, आपके घर आनी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ आपका कुछ फ्राइज भी हैं कि आप अपना बिल भी टाइम पर दें और बिजली ईमानदारी से इस्तेमाल करें तो वी एक्सपेक्ट डेट फ्राम यू अच्छा तो बिजली आपको मिलनी चाहिए आपकी जो टैरिफ है वो अफोर्डेबल होना चाहिए आपकी पहुंच से बाहर ना हो जाए और तीसरा जब आपके घर पे कोई प्रॉब्लम आए तो उस वक्त आपकी सर्विस जो कॉल है वो फॉरन अटेंड हो और उसके ऊपर अमल हो जाए इससे ज्यादा आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है क्या इसी से एम आई राइट ठीक दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू अचीव कि एक स्टेज आए जिस वक्त हम ये कह सकें कि जी हमने अपना काम बखूबी अंजाम ये समझ सके कि बिजली मेरा हक है बजाय इसके कि एक फ्लीटिंग फ्लिटिंग लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर कहूँगा के अपने फ्राइज़ के ऊपर भी नज़र रखें जी जी सिर्फ जो साहब बारह सौ फीडर हैं कराची में कोई एक ऐसे फीडर है जहाँ पर लाइन लॉस नहीं हो रही बिल्कुल है मतलब देखें लाइन लॉस बहुत कम जैसे इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में इस वक्त जो आपके लॉसेज हैं तकरीबन छः परसेंट तो उनकी बिजली जाती है नहीं जाती है। अच्छा डिफेंस के अंदर कितना लाइन लॉस है डिफेंस के अंदर कुछ फीडर्स पे तकरीबन आठ परसेंट है उनकी बिजली जाती है नहीं जाती एक प्रोड्यूसर साहब आए थे अभी इस सेगमेंट से पहले बाहर वो यही कहने के लिए आए थे हमसे कि मेरे यहाँ डिफेंस में रहता हूँ और मेरे यहाँ भी चार घंटे बिजली जाती है तो देखें आज कल थोड़े से हालात अनयूजल हैं जी बिकॉज ऑल दिस डिस्ट्रप्शन हैपनिंग ठीक और, और जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है ना चीज़ों जी. को आप भी जब एक प्रोग्राम करेंगे तो यू नो कोई देखेगा वो कहेगा शायर ये तो बड़े प्रो के ही ऐसे हैं इनके घर का पता लगाओ जरा ये हुआ है कि एंकर्स के घरों को भी टारगेट किया गया मेरा घर टारगेट होता है ठीक है ना तो मकसद यह है कि नॉर्मल सर्कमस्टांस में डिफेंस कराची में 200 सौ फीडर्स हैं जी मैं आपको इफ़ आई कैन बी प्रोसाइज दो सौ छः टू बी प्रोसाइज जो रेजिडेंशल एंड कमर्शियल कैटेगरी में आते हैं जिन पर देर इज़ नो लोड शेडिंग एंड क्राइटेरिया ये नहीं है कि वहाँ पर कोई वी आई पी रहता है क्राइटेरिया हमारे लिए वी आई पी वो है जो बिजली ऑनिस्टली इस्तेमाल कर रहा है और अपना बिल वक्त पर देता है तो दो सौ छः फीडर हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल के और तकरीबन कोई तीन सौ प्लस फीडर्स हैं इंडस्ट्री के और बाकी कुछ पे थे आम हालात में से बिजली नहीं जाती जहाँ पे बिजली नहीं जाती और मेरा ख्याल जानी भी नहीं चाहिए कहाँ वो, वो, फीडर आई मीन मोस्ट ऑफ आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी जैसे uh, लियारी है लियारी कितनी लाइन लॉस लियारी वुड बी फिफ्टी परसेंट प्लस पचास फीसद लियारी के फीडर पे बिजली चोरी हो रही होती है अगला अच्छा और जो बिल पेमेंट है वालबन फिफ़्टी परसेंट है यानी कि जो लोग बिजली सही भी इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर चोरी किए वो बिजली का बिल फिर आधा दे रहे हैं वो आधा दे रहे हैं अच्छा और इसके अलावा आपका नॉर्थ कराची है औरंगी टाउन है बल्दिया का एरिया है यू नो लांडी के साइड पर कुछ एरियाज़ हैं तो हसन स्क्वायर के पास हसन स्क्वा देखिए लॉसेज तो सब जगह हैं ना मतलब गुलशन में कुछ फीडर हैं जो बहुत अच्छे हैं कुछ हैं जो हाई लॉस हैं शराब गोड के पास बिल्कुल है शराब गोड के पास म्यामार वगैरह जो एरिया है वहाँ पे हाई लॉस है जी तो ये ये मैं कहते हुए गलत हूँ कि सारी सियासी जमातों के हब के करीब सबसे ज्यादा लॉस है अब ये मैं इतफाक हो सकता है लेकिन ये कोई प्लान हमारे एंड से नहीं है से, लेकिन हम तो वी आर ड्रिवन बाय आर बिजनेस रूल्स है कि जहाँ पे लॉस ज्यादा है जहाँ पे पेमेंट टाइम पे नहीं हो रही है वी हैव टू फॉलो यू नो रूल दैट दैट वी बीस सेकंड रह गए आप सियासी जमातों को अगर एक सियासी जमात को टारगेट कर रहे होते ना तो मैं कहता ठीक है कुछ कर लेंगे लेकिन आपकी बदकिस्मती ये है कि आप सारी सियासी जमातें एक तरफ और आप लोग एक तरफ आप सीरियसली सोच रहे हैं कि आप इसको टैकल कर लेंगे देखें यार इंटेंशनली वी आर नॉट अगेंस्ट एनी बडी सही ठीक है ना uh, ये अक्सर कहा जाता है कि जी पोलिटिकल uh, इंटरवेंशन हो और आप करके मसायल हल कर लें हम ये कहते हैं हमें किसी पॉलिटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है हमें किसी सियासी मुदाखलत की जरूरत नहीं है वॉट वी वांट फ्राम दीज पोलिटिकल पार्टीज इज़ कि दे शुड प्रोवाइड अस अ सेफ सिक्योर एंड रिलायबल इन्वायरमेंट जहां पे हम फ्रीली काम कर सकें हैं कम अज़ कम हमें तंग ना करें आ, मतलब जैसे आजकल तोड़फोड़ हो रही है इससे तो अब अप, अप, गवर्नमेंट अपनी रेट इस्टिश कर ले और मैसेज बाहर अच्छा जाएगा कि आप जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको ना सिर्फ ये कि आप उसकी केयर करते हैं वैल्यू करते हैं बल्कि उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं ट्वेंटी फोर सेवन बिजली कराची को कब देंगे कल दे देते हैं पूरे कराची को चौबीस घंटे बिजली विदाउट लाइन लॉसिस बट यू नो टू बी अ कैच इन इट राइट दो चीज़ें हैं मैंने जो बार बार मैं कह चुका हूँ पहले आज कराची तहैया कर ले कि हमने बिजली चोरी नहीं करनी और हमने अपना बिल टाइम पे देना है विल गिव यू लोड शेडिंग फ्री कराची टुमारो आज भी बगैर किसी नए प्लांट के बगैर किसी रिवैंपिंग के आप कह रहे हैं कि अगर सब लोग बिजली का बिल दें तो कराची में लोड शेडिंग नहीं होगी आप कहीं भी नहीं होगी नहीं होगी फ़ान साहब थैंक यू वेरी मच फिर थैंक यू सियासत मना है आप लोग देख रहे थे सौ में से तीस लोग हज़ार में से तीन सौ लोग और दस में से तीन लोग बिजली चोरी करते हैं कराची में रहते हुए गुफरान साहब का ये कहना है कि अगर आप लोग बिजली चोरी करना या जो लोग चोरी कर रहे हैं वो चोरी करना बंद कर दें तो लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी ये राजा परवी दश्रफ साहब नहीं बोल रहे ये हमारे एक प्राइवेट मार्केटिंग हेड फरमा रहे हैं विद नंबर्स एंड ग्राफ्स एंड स्टैट्स बिजली चोरी बंद करवा दें कर दें रिपोर्ट कर दें किसी तरह बंद हो जाए ये कोई यूटोपियन थेरी नहीं है हो सकती है बंद एक ही शहर है और सबसे बड़ा शहर है और शहर रग है मुल्क की बिजली चोरी बंद कर दें बाकी इनका काम है फिर इनको वापस से बुलाएंगे आ, आप देखें सियासत बनाए ऐसे मैच सी एन बी सी पाकिस्तान डॉट कॉम पर अपनी राय से मैं कीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग